आपको बताते हैं बेंगलुरु से आ रही धमाके की खबर मिल रही है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे बताया जा रहा है इसमें धमाका हुआ है। चार लोग इस धमाके में घायल हो गए हैं जिनमें तीन महिलाएं हैं, और चार लोगों के घायल होने के बाद पुलिस अब धमाके की इंटेंसिटी और धमाके की वजह इसकी जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि एक रेस्टोरेंट था जिसमें धमाका हुआ है। पिंकी राज पुरोहित हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़ गई है। पिंकी, क्या जानकारी मिल पाई है इस धमाके से जुड़ी हुई? देखिए, आपको बता दें कि ITPL रोड पर रामेश्वरम कैफे में एक धमाके की ये खबर सामने आई है, जहां पर चार लोगों के जो है घायल होने की सूचना फिलहाल मिल रही है। पुलिस फिलहाल मौके पर है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया पूरा एरिया। हालांकि धमाके की क्या वजह है इसकी जांच चल रही है। सस्पेक्टेड सिलेंडर ब्लास्ट पहले ये कहा जा रहा था, लेकिन हालांकि फिलहाल क्योंकि जांच चल रही है इसलिए ये इंतजार करने का विषय है। लेकिन सीधे तौर पर ये जो धमाका हुआ है करीब 1 बजे के आसपास हुआ है, जहां पर चार लोगों के जो है घायल होने की सूचना इस वक्त मिल रही है, जिसमें एक जो है महिला बताई जा रही है और साथ ही तीन महिलाएं बताई जा रही है, माफ कीजिएगा, एक व्यक्ति। इस तरह से जो तीन स्टाफ थे इसी कैफे के बताए जा रहे हैं, और एक उस कैफे में जो पब्लिक थी उसके जो है घायल होने की खबर सामने आई। यानी चार लोग अब तक घायल है और फिलहाल इंतजार है इससे ज्यादा जो है जानकारी का, और पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है। जी, क्या कुछ भी पता चल पाया है? चार लोग उसमें घायल हैं, हो सकता है जो धमाका हो वो लो इंटेंसिटी का रहा हो, क्या वजह को लेकर अभी तक कुछ भी जानकारी पता चल पाई है कि कोई रेस्टोरेंट था तो क्या सिलेंडर ब्लास्ट जैसी कोई खबर है? देखिए, बिल्कुल ये सिलेंडर ब्लास्ट है या फिर लो इंटेंसिटी, ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा, लेकिन इसके लिए हमें जो है पुलिस की जांच का फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि बेंगलुरु के ATL पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला ये रामेश्वरम कैफे जो है ITPL रोड पर एक धमाका हुआ है, और यहाँ पर चार लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, और क्या वजह है इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है पिंकी, आगे भी जैसी आपको जानकारी मिलती है अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाएंगे आप।